हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। तो फ्रेंड, हम भी सब ठीक है। और आज है दिन सैटरडे का, बच्चों की तो खैर छुट्टी है, और आज है महाशिवरात्रि। फ्रेंड, आप सबको भी मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नहा के आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैं नहाई हूँ, आज तो नहा रही हूँ। वैसे तो मैंने अभी सूट ही डाल रखा, लेकिन ना जब मंदिर पर जाएंगे, जब साड़ी चेंज कर लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम करना, तो तभी तैयार होंगी। तो सबसे पहले ना मैंने पानी गर्म किया है, पहले मुझे नहलाना है कान्हा जी को, और कान्हा जी को भी ना आज अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि जी आज है शिव पार्वती की शादी, तो उसके उपलक्ष्य में जो है कान्हा जी को भी अच्छे से तैयार करेंगे। हमारे घर में जो है मैं, अलका, वंश, प्रियांशु और वंश के पापा, ये पांच बंदे बरती है, मतलब आधे से ज़्यादा फैमिली हमारी बरती है। मम्मी जी और विपिन भाई साहब ये बरती नहीं है, और संजय और विनोद तो खैर नहीं रखते हैं। तो आज हमारी ज़्यादातर फैमिली का व्रत है, तो जी मैं पानी ले आई हूँ। तो कान्हा जी के ये रखे कपड़े, तो कान्हा जी को आज ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी मैं, ये वाली निकाल ली है मैंने, ये है इनकी पगड़ी। तो बस कान्हा जी को भी नहलाती हूँ, अच्छे से तैयार करती हूँ पहले, और उसके बाद जो है कान्हा जी को भी वही रखेंगे आज। कान्हा जी का फास्ट ही रखेंगे, मतलब दूध मिठाई है ये सभी दूंगी, फल फ्रूट तो उन्हें आज अन्न नहीं देंगे। तो जी लड्डू, ये थी, और ये हैं इसकी बैंगल्स, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी ली है। और साड़ी भी थोड़ी सी हैवी है, लेकिन मैंने इसीलिए ले ली क्योंकि गर्मी के मौसम में ना ये पहनी नहीं जाती, लेकिन सर्दी के मौसम में इसको पहन सकते हैं। तो बस अभी मैं जो होती हूँ तैयार, और फिर आपको दिखाती हूँ पूरा लुक अपना। तो इधर मैं भी जो है काम थोड़े से निपटा करके फिर तैयार हो गई थी, तो मैंने साड़ी तो पहन ली है, और बस अभी मुझे बाल वगैरह बनाने हैं, थोड़ा सा मेकअप करना है। और देखिए फ्रेंड, ये है मेरा पूरा साड़ी जो मैंने पहन ली है। बताइएगा कैसी लगी, है तो थोड़ी सी हैवी, मुझे भी ना थोड़ी सी भारी सी लग रही है, पर बस यही है कि चलो कभी कभी ना सर्दी सी के मौसम में तो पहन ही सकते हैं, वरना गर्मी के मौसम में तो जब भी नहीं पहनी जाती साड़ियाँ वगैरह। तो जी बस मैंने पहन ली है, बाल मैंने जो है कंघे कर लिए हैं, मंगलसूत्र डाल लूँगी। वैसे मैं रोज़ में मंगलसूत्र नहीं पहनती, लेकिन किसी तीज त्यौहार में, किसी फंक्शन में जो है पहन लेती हूँ। तो बस चूड़ियाँ चेंज करनी है मुझे, चूड़ियाँ मैंने आपको सुबह दिखाई थी वही है, और उसके बाद जो है मुझे हल्का फुल्का सा मेकअप करना है, बिंदी, लिपस्टिक, मांग भरनी और हल्की सी क्रीम। तो बस यही मेरा मेकअप होता है। देखिए इधर मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार, सामान वामान तो मेरा फल्ला पड़ा, वो तो आकर देख लेंगे, क्योंकि फिर भी आकर चूड़िया उड़िया चेंज करनी है, तो उसे आके देख लेंगे। तो जी ये पहनी है आज मैंने साड़ी, देखिए ये है पूरी साड़ी मेरी, पूरी साड़ी का लुक। तो ये पहनी है साड़ी, है तो थोड़ी सी हैवी, तो चल जाएगा क्योंकि सर्दी सी के मौसम है ना। लाइट बंद कर दो जाने से पहले, गेट और सारा सामान मैंने लगा लिया है, जो जो ले करके जाना है तो वो सारा सामान भी लगा लिया है। दिखा सकती हूँ, तो कान्हा जी बैठे हुए, तो प्रसाद में ले लिए हैं लड्डू जो बनाए थे, दिए वगैरह, बत्ती, घी, माचिस, ये सब चीज़ हो गया है, जल भी हो गया है। आगे हम पिक्चर, आगे दिखा, हाँ हैं, सफ़ेद लग रही है, सफ़ेद लग रही, हाँ सफ़ेद लग रहा है, पल्ला ढक रहा, हम ही तिरना जा रहे हैं, और कोई भी नहीं दिख रहा, मटली भीड़ सही है, तो छीद मिलेगी अपन, हाँ आराम से रहा हूँ, जिस दिन ये तो है छीद मिलेगी, चल पड़ा ना कुछ आपका साथ ही, वहाँ तक गली में कोई है भी नहीं, आराम से बनाते जा रहे हैं वीडियो भी, बस हम तीनों की बना दो वीडियो, हम तीनों सब देख सड़क, हाँ है नहीं कोई दूर दूर तक भी, चलो कोई बात, देखिए साथ साथ ही चल रहे, आ जाओ आ जाओ मंदिर पे, आ जाओ आ जाओ, देखिए देखिए देखियो देखिए, आके देंगे प्रसाद देंगे आके, इन्हें ये माता की जाएंगे, अरे जी जी देखे कितना तरह सारा चल रहा ये, पैसे तो हैं पर यहाँ कुछ बिस्किट विस्किट मिलने का तो नहीं, पता से दे दो थोड़े से, हाँ
देखिए कितने चलो खा लो। ओ फ्रेंड बस अभी हम जो है अंदर आ गए हैं, आ गया है हमारा भी नंबर प्रसाद चढ़ाने का और शिव जी पे जल चढ़ाने का। तो छोटा सा मंदिर है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें अंदर, तो बस यही है 3-4 बंदे ही इसमें अंदर जा सकते हैं, वरना ज़्यादा होता है ना तो फिर तो ना तो ढंग से प्रसाद ही चढ़ा पाते हैं और ना ही जल चढ़ा पाते हैं। तो उसमें भी देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी दूर तक आते हैं और अच्छी तरह से प्रसाद ना चढ़ाए, अच्छी तरह से जल ना चढ़ाए तो फिर यहाँ पे इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो बस थोड़ी सी देर हमने इंतज़ार किया कि जब इनका हो जाएगा जो इसमें पहले अंदर थे, उसके बाद ही जो है हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही जो है हम दियाबत्ती करेंगे, चाहे हमें 2 मिनट लेट हो जाए उसका कोई बात नहीं है। तो जी अभी आगे हैं अंदर, तो अलका जी ये सब कर रही हैं, मैं भी अभी जो है इनके करने के बाद मैं भी दिया जलाऊंगी, क्योंकि ये था कि पहले 1-2 कर ले फिर उसके बाद जो है दूसरा फ़ोन पकड़ लेगा। तो जी अभी इधर कर रहे हैं बस यही शिव जी की पूजा आराधना। और देखिए फ्रेंड आज के दिन ना मंदिरों पे भी ना पूरी भीड़ भड़ाका सी रहती है, क्योंकि जो भी व्रती रहते हैं जिनका भी व्रत होता है सभी जाते हैं मंदिर पे, और जाना भी चाहिए। मतलब अपने घर पे तो हम रोज़ में ही पूजा करते हैं तो वो तो हमारी रोज़ ही होती है, लेकिन जो गांव में हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं तो उन पे भी ना कभी कभी जाना चाहिए। तो बस हम आगे हैं, अभी मैं भी जो है कर लूँगी जोत बत्ती और जल चढ़ाऊँगी, और उसके बाद जो है फिर जो मंदिर की हमें परिक्रमा करनी है। वंश प्रियांशु ने हमसे पहले ही आगे थे वो, तो उन्होंने हमसे पहले ही चढ़ा लिया था, वो बाहर मैंने आपको दिखाया था बाहर थे। तो बस अब हम तीनों रह रहे थे और तनु के पापा बोल रहे थे कि मैं मंदिर पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन्हें खेत में ना बहुत लेट हो गया था, तो बोल रहे थे कि तुम सब चले जाओ मैं घर पे ही जो है घर पे ही जल चढ़ा लूँगा। अंदर हमने जल चढ़ा लिया है, दिया बत्ती कर दी है, अभी आए हैं हम बाहर वाले मंदिर पे जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे भी जो है दिया जलाते हैं और जो तिलक लगा रही हूँ मैं फ़िलहाल सबके। तो वंश प्रियांशु ने खुद ही लगा लिया था, मैंने बोला भी था उन्हें, लेकिन वो उन्होंने बोल रहे कि हमने तो लगा लिया अब हम घर पे जा रहे हैं, क्योंकि घर पे जो ना मम्मी जी अकेली है। तो बस वो चले गए हैं, अभी हम पूरा करके तब जाएंगे। अभी मैं कर रही हूँ मंदिर की परिक्रमा। मंदिर की परिक्रमा हमारी हो चुकी है और जी अभी आगे हम जो दूसरा मंदिर है वहीं पर, तो ये है शनि देव का मंदिर। और वैसे भी आज शनिवार है तो शनिदेव पर वैसे भी जो है दिया जलता ही है, और तो साथ के साथ ना हम शनि देव पे भी जो है दिया जलाएंगे। कितनी जल्दी आए, कितनी जल्दी आए, चिज्जी खाने चिज्जी प्रसाद 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 दे दे, सारे आ लिए, सारे आ लिए, दे 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 दे, एक बार बुलाते आ जा, माँ भी आ लेंगे, आ जा अंदर माँ भी खा लेंगे। तो 5 हैं एक नंबर, हाँ दे दे, बनोगे गिरते नहीं खा लेंगे तो तो सब खा लेंगे, हाँ हाँ। कितने क्यूट क्यूट से, ले चलो 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 खा लेंगे ये, झक लो ये देख पीछे पीछे जल्दी इसे बंद दिख रहा, देखो इधर दिखा, ये लग गया बच्चे इस पैसे, ये नहीं दिख रहे ये कैसा बैठा है, ये बच्चा, ये नन्नू, ये नन्नू, हाय हाँ हाँ हाँ, तू गंदा कर देगा मुझे, सारी सारी साड़ी गंदी कर देगा, इंकैसा न पकड़ो, इंकैसा पकड़ो, चल मंदिर से हम आ गए थे। और आने के बाद जो है सबसे पहले क्या होता है कि चाय ही याद आती है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया पिया और टाइम हो रहा है अभी 12:15 बोल रही हूँ, पौन बज रहा है, 1:15, तो यही टाइम हो रहा था उस टाइम पे, तो बस इतना टाइम हो रखा है। तो अभी सबसे पहले ना चाय याद आ रही है, थोड़ी सी स्लेब खाली करी है, जो जितने बर्तन धुले हुए रखे थे वे सारे लगा दिए हैं, अभी मैं बनाऊँगी चाय। और वंश के पापा ने जो है हमारे पीछे ही जो
पूजा वूजा करके दूध पी लिया था, बोले थे कि मैंने तो दूध पी लिया है, और वंश ने नहीं पिया था, तो वंश को मुझे देना पड़ेगा। पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, अपने और अलका के लिए, हम दोनों ही पियेंगे, तो पहले मैं बना रही हूँ चाय, फिर दूंगी वंश को दूध। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, वंश का दूध जो है गर्म हो रखा था, तो वो मैंने साथ के साथ जो है घोल दिया है, और साथ में दूंगी उसे एक चुलाई का लड्डू। तो लड्डू बनाए हुए थे व्रत वालों के, तो बस एक लड्डू दूंगी। बोल रहा था कि मम्मी एक ही लड्डू देना, मैं बोल रही थी कि एक इसमें डाल दूँ, एक साथ में खा लियो, क्योंकि पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आधा दिन हो गया, तो बोल रही नहीं मम्मी एक ही लड्डू देना। तो थोड़ी सी देर फिर हमने किया है आराम। अभी जो है मैं मशीन में डाल रही हूँ कपड़े, और टाइम हो रहा है अभी 2 बजे का, तो अभी 1 घंटा लाइट रहने वाली है, 1 घंटे में मेरा ये काम निपट जाएगा, और उसके बाद जो है फिर लाइट भी चली जाए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जितना मेरा लाइट का काम है वो मैं पहले ही निपटा लूँगी। तो अभी मैं डाल रही हूँ कपड़े, थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, क्योंकि अभी ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती, पर 3-4 मग्गे मैंने डाला है फिर भी, जिससे कि सर्फ़ अच्छे से घुल जाए। कपड़े डाल दिए हैं, कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं, कुछ कपड़े नहीं है, मतलब बस हाथ से जो धोने हैं, वो साड़ी ही है मेरी एक, तो वो मुझे हाथ से धोनी है, क्योंकि साड़ी जो है मैं मशीन में नहीं धोऊंगी। एक तो थोड़ी सी सितारे वाली है, वो ख़राब होने का डर होता है, फिर ये भी आता है थोड़ा सा ना सितारे डर टूट के मशीन में अंदर फंस जाए तो अपनी मशीन जो है ख़राब होने का डर है। और वैसे भी जो है थोड़ी सी नई साड़ियाँ वगैरह होती है जो प्रिंटेड हो घर में पहनने की, वो तो चाहे आप मशीन में धो लो, लेकिन जो इस तरह की थोड़ी सी कड़ी हुई हो तो उसे जो मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, तो थोड़े से टाइम लगेगा, मैं इसे साथ के साथ जो है हाथ से झकोल के धो करके सुखा दूँगी। और देखिए बाकी मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, अभी इनको जो है अभी डाल देंगे धूप में। अब वैसे ना अभी धूप जाने वाली हो रही है, और थोड़ा सा घटासी का भी मौसम है, लेकिन कोई बात नहीं, शाम तक फिर भी सूख ही जाएंगे। तो साड़ी जो है मैंने ड्राई भी नहीं की है, साड़ी जो है मैं डायरेक्ट ऐसे ही सुखाऊँगी, क्योंकि 3 बज गए थे, लाइट भी चली गई थी, और वैसे भी ना मुझे ये ऐसे ही सुखानी थी, मुझे ये मशीन में नहीं सुखानी थी। तो जी कपड़े बस मैं यहाँ सुखा दूँगी, जो सुबह के कपड़े धुले हुए हैं वो सारे सूख गए हैं, उन्हें उतार लेंगे और बाकी कपड़े मैं फैला दूँगी। कौन सा चाचा जी? वर्मा जी। और वर्मा तो भैया संदीप से। नीचे रख, जर्मन से पड़ा गए हो? हाँ। तो वो तो पहले भी लाए थे, देख 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 कर दे। पिलिया पिल्ला पिलिया आयो संदीप लाए रहे कहीं से? नहीं देख मम्मी, इस पर जोर पड़ रहा है, कैसे बैठ गई नीचे ना गिर जाइए, नीचे ना गिर जाइए, छोड़िए नीचे, छोड़ो इधर, देखो नीचे आ रही है। हाँ वो ये चलते और ट्रैफिक थोड़ा जा रही है, ट्रैफिक थोड़ा मिलता आज हम ऐसे पिल्ले देख रहे, सुबह जब मंदिर पर गए थे ना, जब भी वहाँ 4-5 मिले हमें। ओ फ्रेंड अभी हो चुका है शाम का टाइम, तो आलू जो है हमने उबाल लिए थे, और आलू ना ज़्यादा क्वांटिटी में ही उबाले थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा फैमिली हमारी जो है आलू ही खाने वाली है, क्योंकि आज सबका फास्ट था। तो जी काफ़ी सारे उबाले थे, ये भी जो है इनको दोनों मिलकर छील लेंगे। अलका छील रही है, मैं साथ के साथ जो है इनके काट रही हूँ, और थोड़े से बड़े बड़े पीस ही काटूँगी, क्योंकि भूजे भूनने हैं, फिर भूनने में ना आधे टूट जाते हैं, और थोड़े से बड़े बड़े ना अच्छे लगते हैं मुझे, तो थोड़े से बड़े बड़े पीस काटूँगी। तो अलका छील रही है, मैं काट रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है इन्हें छोकने की तैयारी करेंगे। वो फ्रेंड आलू जो है छिल गए हैं, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे, और मैंने आधा चमचा लिया है घी, क्योंकि घी में ही तड़का लगाऊंगी, और चम्मच से काम नहीं चलता, क्योंकि आलू है बहुत सारे, तो थोड़ा सा घी ज़्यादा होगा, थोड़ा सा जीरा भी ज़्यादा होगा। तो घी मैंने चिम चढ़ा दिया है, घी हमारा अच्छे से हो चुका है गर्म, 1 चम्मच चढ़ाऊँगी मैं जीरा, क्योंकि ये जो व्रत वाले आलू होते हैं ये जीरा में ही चुकते हैं, ना तो प्याज में ना ही लहसुन में। तो जी जीरा मैंने इसमें डाल दिया है, जीरा अच्छे से भून चुका है, अभी मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा तीखी मिर्च खाते नहीं हैं, और हरी मिर्च भी जो है मैं इसीलिए डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च फिर ना बच्चे निकाल देते हैं, तो कहते हैं कि हरी मिर्च मत डाल लो आप,
तो बस थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी मैं गरम मसाला और थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला। मसालों पे बस ये डालूंगी, सबको वो अच्छे से भून भान के इसमें डाल दूंगी आलू। आलू डालकर थोड़े से आलू डालूंगी, फिर मैं भून लूँगी, फिर बीच में जो है मुझे सेंधा नमक नमक डालना है सेंधा वाला, क्योंकि व्रत में जो है सेंधा नमक ही हम खाते हैं। हम क्या ज़्यादातर सभी जो है सेंधा नमक ही खाते हैं, जो नॉर्मल नमक होता है वाइट वाला वो नहीं खाते, क्या तो सेंधा नमक खाते हैं या फिर जो काला नमक होता है वो भी खा लेते हैं कुछ लोग। और फ्रेंड देखिए आलू जो मैंने भून दिए थे और बंस आ गया है, तो सबसे पहले मैं इसी को डाल के दे रही हूँ, क्योंकि क्या ही होता है बच्चों का थोड़ा जल्दी सी भूख लग जाए तो इतनी लंबे व्रत रख दिया बहुत बड़ी बात है, तो बस मैं बंस को भी डाल के दे रही हूँ। और आ जाइए आप लोग भी फ्रेंड व्रत में, दही और आलू बिल्कुल तैयार है। अभी ना टाइम हो रहा है 9 बजे का, 9 बज रहे हैं अभी, तो हमारा जितना भी खाने पीने का काम था सभी निपट चुका है, सबके बिस्तर वगैरह भी लगा दिए हैं और रेस्ट अभी इनको भी दूध दाद दे दिया, तो जी हमारा सारा काम निपट चुका है। और आज का दिन पूरा दिन ऐसे ही रहा, भागा दौड़ी सी का ही पूरे दिन यही चलता रहा। तो जी कल होगा हमारा पूरा व्रत कम्प्लीट, कल सुबह हमारा जो है व्रत कम्प्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड एक बार फिर से हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे आज एंड करती हूँ, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।